कसरावत थाना पुलिस ने गोवंश से एक भरा ट्रक पकड़ा है। यह खलटाका की ओर से आ रहा था। ट्रक में बछड़े गाय सहित बैल थे, जिनकी कुल संख्या 46 थी। इन्हें निमरानी में गौशाला पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 9 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि खलटाका की ओर से एक ट्रक तेज गति से अवैध रूप से गोवंश भरकर खरगोन की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने अरिहंत नगर कॉलोनी के पास उस ट्रक को रुकवाया, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और तेज गति से चलाने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा करते हुए पैरामाउंट स्कूल के पास पुलिस को ट्रक में गाय बछड़े बैल क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर भरे मिले। अंधेरा होने के कारण ड्राइवर ने ट्रक खड़ा कर वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कसरावत। सर, ये गोवंश का अवैध परिवहन का क्या मामला है सर? कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई और कुछ अपने बजरंग कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि खलटाका तरफ से अवैध रूप से ट्रक में गोवंश परिवहन करते हुए तेज गति से ट्रक आ रहा है। जो उसकी सूचना पर मुखबिर सूचना विश्वास करते हुए हम अरियंत नगर पहुंचे, जहां पर उक्त ट्रक को रुकवाने की कोशिश की गई, किंतु ड्राइवर ने तेज गति से आगे बढ़ा लिया। उसका पीछा करते करते आगे गए तो वो पैरामाउंट स्कूल के सामने अंधेरे में साइड में खड़े ट्रक को छोड़कर ड्राइवर भाग गया। जब उसको चेक किया तो उसमें गोवंश भरे हुए थे ठूस ठूस कर, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पहले निमरानी गौशाला में ले गए। वहाँ पर प्रॉपर हमने उनको उतारा, उसके बाद डॉक्टर टीम को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट करवाया गया। जो सभी स्वस्थ मिले, इसमें घायल मिली थी जो मर चुकी थी। सर, इसमें कितने टोटल गोवंश थे? टोटल 46 गोवंश थे, जिसमें केड़ा केड़ी बैल और गाय भी थी। अच्छा, फिर कहाँ की गाड़ी थी ये कुछ? अभी तो इसमें गाड़ी बाहर की हरियाणा पासिंग लिखा हुआ है, निवेदन हमें जारी है, तस्दीक कर रहे हैं कि किसके नाम पर गाड़ी थी और कहाँ से आई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।